हाँ जी, तो भाई लोग ये देख रहे हो मेरे हाथ में आईफोन 12 और इसे परचेज किया था भाई मैंने चोर बाजार से। ये लोग मैंने खोल दिया ठीक है, अब आप ही देख सकते हो इसका, मतलब जैसे नॉर्मल फोन का होता है वैसे इसका भी कैमरा आ रहा है, थोड़ा बहुत सही भी आ रहा था लेकिन 89 तो यार बहुत बढ़िया बैटरी हेल्थ होती है। अभी 128 GB का, 128 GB यार स्टोरेज तो बहुत बढ़िया तुम्हारे फोन का। ये देखो भाई क्या बात है यार, ट्रू टोन तो वर्किंग में देखो यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अंदर वीडियो गाइस, कैसे हो आप सब लोग, होप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत ज्यादा अच्छा और बढ़िया भी हूँ। और यार आपने थंबनेल टाइटल देख लिया, समझ गए वीडियो के टॉपिक पे। भाई ये जो अभी आप फोन देख रहे हो ना मेरे हाथ में, ब्लैक कलर का आईफोन 12, भाई ये मेरे नौशाद भाई ने परचेस किया था चोर बाजार मार्केट से। आप सभी को पता है चोर बाजार कहाँ लगता है, आप मेरी वीडियो भी देखते हो तो आपको सारी नॉलेज है चोर बाजार के बारे में। तो आज इस फोन का रिव्यू करने वाला हूँ मैं भी रिव्यू दूंगा और बाकी नौशाद भाई भी देंगे, क्योंकि नौशाद भाई ने इस फोन को चोर बाजार से खरीदा था और कितने में खरीदा था, इसमें क्या खराबी है क्या अच्छाई है सारी चीजें बता देंगे आपको। यार अगर आप भी सोच रहे हो ना चोर बाजार से फोन परचेस करने की, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इस फोन की सच्चाई पता चल जाएगी आपको, चोर बाजार में कैसे फोन मिलते हैं, एप्पल दिखाते हैं और देते क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। बाकी नौशाद भाई हमारे साथ खड़े हैं, ये रहे नौशाद भाई, ये लो पहले अपना एप्पल फोन पकड़ो यहाँ पे। अब ये बताओ हमें, ये एप्पल फोन तुमने कब खरीदा था वहां से चोर बाजार से? भाई मेरे को एक हफ्ता हो गया ऐसा खरीदे हुए। एक हफ्ता हो गया खरीदे हुए, और खरीदा कितने का था तुमने ये? भाई उनने मेरे को बताया था भाई 15,000 का, मैंने उनसे ले लिया था भाई 8,000 रुपए का। किसी को लेके गए थे साथ में, ऐसे खुद ही चले गए थे? भाई मैं तो खुद ही चला गया था यार। और मतलब इसमें अब ये बताओ तुम्हें, तुम एक हफ्ते से चला रहे हो तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी मिली या कुछ अच्छाई कुछ इसके बारे में बताना चाहोगे? जरूर बताना चाहूंगा भाई। देखो इसका कैमरा वैमरा तो थोड़ा बहुत सही है, जैसा नॉर्मल होता है वैसी नॉर्मल ये कैमरा। अच्छा ठीक है, चलो एक बार पहले सबसे पहले कैमरे से स्टार्ट कर लेते हैं इसका। अच्छा। लॉक खोल दो और इसका कैमरा चेक कराओ हमें। तो ये लॉक मैंने खोल दिया ठीक है, अब आप ही देख सकते हो इसका, मतलब जैसे नॉर्मल फोन का होता है वैसे इसका भी कैमरा आ रहा है, थोड़ा बहुत सही भी आ रहा है थोड़ा बहुत बेकार भी आ रहा है ठीक है। कभी कभार टच काम भी करता है, कभी कभार टच काम भी नहीं करता। अल्ट्रा वाइड खोलना एक बार इसका। ये देखो अल्ट्रा वाइड खोल दिया मैंने, व्यू तो सही आ रहा है कैमरे में देखने में, मतलब थोड़ा बहुत लैग होता है, हैंग होता है चलने में, कभी कभार होता है या ज्यादा होता है? ये 100 में से 50% 50-50 मान लो। अच्छा 50-50, तो थोड़ा बहुत टच में ही प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, है ना। बाकी एक आदमी फोटो खींच के दिखाओ अपना, फोटो खींच के दिखाओ। हाँ सेल्फी ले लो अपनी। सो भी गाइस ये चेक करो, ये फ्रंट कैमरे से खींची तुमने सेल्फी? हाँ भाई, भाई फ्रंट कैमरे से सेल्फी खींची है कैमरा, बाकी क्लियर लग रहा है दिखने में, तो थोड़ा बहुत डस्ट वस्ट पता नहीं क्या है लेकिन ठीक ठाक लग रहा है कैमरा ठीक है। इसके साथ कुछ दिया भी था तुम्हें या खाली फोन ही दिया था? फोन ही फोन दिया था और कुछ नहीं दिया था, खाली फोन। कुछ गारंटी वारंटी कुछ दी? यार चोर बाजार में गारंटी को कोई हिस्सा मत रहा। हाँ यार वो तो चलो सीधी सीधी बात है भाई, चोर बाजार में कोई गारंटी वारंटी कुछ चीज मिलती नहीं है, क्योंकि चोरी का सामान होता है वहाँ पे सारा ठीक है। और बाकी और क्या चीज है इसमें? बैटरी हेल्थ दिखाओ उसकी एक बार। बैटरी हेल्थ तो भाई अब मेरे को पता नहीं ओरिजिनल या सही है बढ़ा रखा है इसका, लेकिन 89 भाई 89 तो यार बहुत बढ़िया बैटरी हेल्थ होती है। अब ये नहीं पता ना चोर बाजार में इसकी बैटरी चेंज कर रखी है या वही ओरिजिनल लगी हुई जो कंपनी से आती है। बाकी 89 बैटरी है, दिन में कितना चल जाता, कितनी देर चल जाता तुम्हारा फोन ही बताओ? ये है कि भाई लीड लगा के अगर तुम मूवी देखोगे ना तो दो देख सकते हो, अगर बिना लीड लगा के देखोगे दो मूवी देख सकते हैं। तो भाई इससे अच्छी क्या बैटरी, वो भी एयरपोर्ट लगा के, तो भाई इससे अच्छी क्या बैटरी हेल्थ चाहिए हमें? मूवी देख सकते हो भाई, बहुत अच्छी बैटरी हेल्थ दे रही है मेरे ख्याल से, बैटरी इसमें ओरिजिनल है शायद जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि दो मूवी देख बता रहा हूँ ना तुम, दो मूवी 6 घंटे की हो गई और फुल बता रहा हूँ, फुल देख लेता हूँ एयरपोर्ट लगा के, तो बैटरी में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। और स्टोरेज चेक कराओ एक बार इसका। अब ये भी मैं मुझे पता नहीं है भाई स्टोरेज इसका सही है, इसका भी बड़ा रखा बढ़ जाता भाई वैसे तो स्टोरेज, भाई मुझे तो पता लगता नहीं बढ़ जाएगा यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं। 128 GB यार स्टोरेज तो बहुत बढ़िया तुम्हारे फोन का, 128 GB पता है कितने का नया मॉडल है ये? नया ये 55,000 रुपए का मिलेगा तुम अगर दुकान पे लेने जाओगे कहीं पे, और तुम लिया है 8,000 रुपए में ना। चलो भाई स्टोरेज भी ठीक है, अब एक बार इसका साउंड सुनाओ मुझे खोल के। साउंड सुनाओ भाई। हाँ साउंड सुना दो। गाइज अभी आप स्पीकर की साउंड चेक करो भाई, साउंड तो सही आ रही है मेरे ख्याल से, लेकिन थोड़ी फटी फटी सी लग रही है मुझे। ये देखो एक बार NCS का कोई सॉन्ग प्ले करके दिखाओ YouTube वीडियो में। दिखाऊं मैं? हाँ YouTube में दिखा दो। ठीक है भाई अभी दिखाता हूँ मैं। तो अभी भाई नौशाद भाई यहाँ पे हमें सॉन्ग प्ले करके दिखा रहे हैं, NCS का नॉन कॉपीराइट सॉन्ग है, और उस सॉन्ग से पता चल जाएगा मैं इसकी स्पीकर क्वालिटी क्या है और कितना दम है इसके स्पीकर में, कुछ खराब वराब तो नहीं है। Thank you.
भाई इससे आप स्पीकर क्वालिटी भी चेक कर सकते हो और बाकी भाई वीडियो क्वालिटी भी देख ही लो, स्क्रीन तो सही लग रही है देखने में, बट इस टाइम जो है ना भाई हम धूप में आए हैं, धूप के एरिया में, तो थोड़ी काली सी लग रही है स्क्रीन एंड ब्लैक कलर का ही फोन है। बाकी साउंड क्वालिटी तो ओके लग रही है, मतलब ठीक ठाक लग रही है। अच्छा नौशाद भाई, कैमरे की बात कर ली, स्पीकर की बात कर ली और बाकी फोटो वोटो भी देख ली है। अब ये बात बताओ मुझे, तुमने कभी इस पर कॉलिंग पे बात की किसी से? कॉलिंग पे बात करने का तो भाई ये है, जब मैं उनसे फोन ले रहा था ना, जिनसे मैंने आंटी से फोन लिया था, उन्होंने मेरे को बताया था, मतलब उन्होंने सिम डाल रखा था इसके अंदर। अच्छा। मैंने कहा था आंटी अगर मैं अपना इसके अंदर सिम डालूंगा तो फंसूंगा तो नहीं, तो कह रही भाई मतलब बेटा तू वे झिकल होके ले जा तू फोन। अच्छा। अगर कुछ हो तो मेरे पास आ जाइयो, ठीक है? तो मैंने उनके सामने सिम डाला था, बाकी कॉलिंग वॉलिंग करके देखा तो बात बात हो रही है। अच्छा, मतलब उन्होंने अपनी सिम डाल रखी थी इस फोन में पहले से, और बाद में जब तुमने खरीद लिया तो अपनी सिम उन्होंने निकाल ली, तुमने अपनी डाल के चेक कर ली। तो मैंने चेक कर लिया, तो हाथों हाथी चेक कर लिया। आवाज सही आ रही थी बात करने में, कोई दिक्कत तो नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात है। नौशाद भाई, चोर बैठा तुमने फोन खरीद लिया, सिम विम सब चेक कर ली, अब एक चीज और बताओ, इसकी तुमने ट्रू टोन आईडी चेक करी? भाई सबसे पहले तो वही चेक करते हैं, वही चेक करी थी, दिखाना एक बार। भाई क्या बात है यार, ट्रू टोन तो वर्किंग में, देखो यार कहाँ चोर बाजार में ट्रू टोन वर्किंग में मिलेगा भाई, मतलब बहुत बढ़िया सौदा मिल गया तुम्हें 8000 रुपए में। देखो भाई ऑन भी कर दी, ऑफ भी कर दी, ऑन ऑफ, बहुत बढ़िया चीज़ है यार, ट्रू टोन तो तुमने चेक कर लिया, चलो ये बात बहुत अच्छी है। अब एक बात बताओ नौशाद भाई, जो मुझे लगता था कि इस फोन में ये चीज़ होनी चाहिए वो मैंने तुमसे पता कर ली, अब तुम अपनी बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है इसमें कोई कमी लगती है जिससे तुम रिकमेंड करोगे कि बंदों को फोन नहीं लेना चाहिए? भाई देखो मेरे को एक हफ्ते से ज्यादा हो गया इसे चलाते चलाते। अच्छा। और मैं आप लोगों को रिव्यू दे रहा हूँ इसका कि भाई देखो मेरे को कभी कभी डाउट होता है क्लोन तो नहीं है, क्योंकि कभी कभार मतलब मार जाता है। क्लोन तुम्हें डाउट होता है इस पे? हाँ। तो तुम्हें कहाँ से लगता है क्लोन है ये बताओ? कभी कभार ये लेग मार जाता है ना, हैंग वैंग चलता है, इस वजह से। अच्छा, हैंग वैंग होता है। हैंग होता ही नहीं, लेकिन ये हैंग होता है। हाँ भाई ये बात तो माननी पड़ेगी, आईफोन हैंग नहीं होता, लेकिन नौशाद भाई कह रहे हैं इनका फोन थोड़ा बहुत हैंग हो जाता है। बाकी कैमरा वैमरा तो ठीक ही लग रहा था इसका, थोड़ा बहुत लेग हो जाता हुआ है ना, मतलब अभी तुम्हें डाउट है क्लोन है या ओरिजिनल है? चलो ये सारी बात छोड़ो, लेकिन बस चमकाने के लिए बढ़िया है। चमकाने के लिए 8000 रुपए में ये लोगो कहाँ मिलेगा भाई आपको? 8000 में कौन देगा ये लोगो? बस भाई देखो चोर बाजार में नौशाद भाई को बिल डब्बा कुछ नहीं मिला, ना ही आपको मिलेगा भाई, फोन ही फोन मिला इनको, खाली फोन ही फोन मिला है ना भाई। अच्छा चलो रिकमेंड कर दो, हमारे व्यूअर्स ले सकते हैं वहाँ से फोन या नहीं ले सकते? 50-50 है, आपकी मर्जी, आप अपने ऊपर रिस्क पे ले जाना। अच्छा 50-50 है, मतलब यार अगर आपको फोन लेना है ना तो यार अपने रिस्क पे लेना, नौशाद भाई का कहने का मतलब ये है। और इन्हें डाउट होता है कि ये इनका फोन क्लोन तो नहीं है, और यूं कहते हैं कभी कभी ओरिजिनल लगता है, कभी कभी क्लोन लगता है, बिकॉज हैंग होता है इनका फोन। क्या पता ओरिजिनल बैटरी निकाल के बेच रहे हो, डिस्प्ले चेंज करा के बेच रहे हो, बिकॉज चोर बाजार है, चोर बाजार में चोरी के फोन बिकते हैं, तो हो सकता है गाइस वहां पे ओरिजिनल सामान निकाल ले फोन का, बट यार मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं, तो नौशाद भाई ने फोन खरीद लिया। वैसे एक बात बताओ, तुमने 8000 रुपए इस फोन में डाले, तुम्हें वैल्यू फॉर मनी लगा या ऐसा लगा तुम्हारे पैसे बर्बाद हो गए? भाई क्या बताओ यार, थोड़ा बहुत सही भी चलता, 50-50 मान के चलो मैं, मतलब चलो नहीं ये बता दो कि लेके अच्छा लगता है ऐसा लगता है पैसा बर्बाद कर दिए? भाई लेके तो भाई सही लग रहा है मेरे को, सही लग रहा है, पैसा बर्बाद नहीं लग रहा, मतलब वैल्यू फॉर मनी है बस इसके वजह से। हाँ लोगों की वजह से भाई, चमकाने के लिए जाऊंगा, देखो ओरिजिनल लग रहा है नहीं लग रहा भाई, ओरिजिनल ही है तो लगेगा का भाई। चलो सही है इनका मतलब, खुश हो तुम है ना लेके? हां बढ़िया हूं भाई। भाई नौशाद भाई तो फोन लेके खुश है। एंड गाइस आप भी कभी चोर बाजार में आते हो तो भाई फोन लेने के लिए, देखो मैं आपको बता दूं, अपनी पर्सनल राय देता हूं आपको यार, कभी भी चोर बाजार में विजिट करो ना तो भाई देखो फोन क्या होता है यार, हमें खुद नहीं पता फोन के अंदर क्या कमी है, ये तो भाई कोई फोन वाले ही चेक करके बता सकता है जिसको अच्छी खासी नॉलेज है। और यार देखो चोर बाजार में मैं फोन के अलावा आपको सब चीजें रिकमेंड करूंगा, वहाँ पे DSLR मिलते हैं, लैपटॉप मिलते हैं, और भाई GoPro भी मिल जाते हैं वहाँ पे, एंड शूज, ब्रांडेड शूज मिलते हैं आपको, जीन्स क्लोथ व्लोथ सब मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आप बिना टेंशन के परचेज कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट यार फोन एक ऐसी चीज़ है जिसके पार्ट्स निकाल के ना बंदा बेच देता है, तो भाई वो आपके ऊपर है, आप आ सकते हो ले सकते हो मार्केट में, वैसे मार्केट में घूम भी सकते हो, आपको नॉलेज मिल जाएगी मार्केट में क्या क्या मिलता है, मिलता सब कुछ चीप प्राइस में। बाकी यार आज की वीडियो में इतना ही था, बस थोड़ी सी नॉलेज देनी थी आपको, रिव्यू देना था फोन का, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जल्दी बता देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।